हेलो ऑल ऑफ यू। तो हम कर रहे थे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो इसी के बीच हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला था, जो कि हमारा इनवेरियंस था, ठीक है, अचर था। दोनों एस और एस प्राइम फ्रेम में इक्वल था, ठीक है। दो बिंदु के मध्य अगर अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकाले तो हमारा समान मिल रहा था। अब हम नेक्स्ट करते हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सीलरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम वेलोसिटी निकालें तो भी हमें पोजीशन वेक्टर की जरूरत होती है। जो पोजीशन वेक्टर हम निकाल चुके, पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर फॉर्म में, या फिर डायरेक्ट आर प्राइम वेक्टर क्या आया था हमारे पास, आर माइनस वी टी, ठीक है। ये पोजीशन में ट्रांसफॉर्मेशन हमें मिला था। अगर कंपोनेंट फॉर्म में इसको लिखते तो एक्स प्राइम इक्वल टू एक्स माइनस वी एक्स टी, क्लियर। ये हमने कल समझ लिया था। तो पोजीशन में चेंज हमारा इतना हो रहा है, तो अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी देखें, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी देखें तो क्या होगा। वेलोसिटी क्या होती है, पोजीशन में टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज। वेलोसिटी होती है हमारी डी आर अपॉन डी टी, क्या होती है, वेलोसिटी होती है। तो इक्वेशन जो फर्स्ट है हमारी, इसका टी की रेस्पेक्ट में डेरिवेशन करते हैं, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, डी आर प्राइम वेक्टर अपॉन डी टी इक्वल टू डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। इसमें वी तो कॉन्स्टेंट है वेलोसिटी, ठीक है, और टी का करेंगे तो डी टी अपॉन डी टी, इसका तो वन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, डी आर प्राइम वेक्टर अपॉन डी टी डी आर अपॉन डी टी माइनस वी। ये क्या है, वी प्राइम माइनस वी माइनस ये कैपिटल वी है, ठीक है। ये स्मॉल यूज कर रहे हैं, वो कैपिटल वी स्टार्टिंग की वेलोसिटी है, जो कि कॉन्स्टेंट है। ये इक्वेशन हमारी टू। तो वेलोसिटी में गैलीलियन रूपांतरण क्या है, वी प्राइम वी माइनस कैपिटल वी, ठीक है। जो वी प्राइम एस प्राइम फ्रेम में वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ एस फ्रेम, और जो वी है एस फ्रेम में वेलोसिटी है, और जो वी है हमारी जो पार्टिकल पी लिया है उसकी वेलोसिटी है वेग, ठीक है। उस जो पार्टिकल पी इस वेलोसिटी से मोशन कर रहा था, और जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वेलोसिटी, जो एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसकी वेलोसिटी वी प्राइम है, एस प्राइम फ्रेम की, सॉरी एस फ्रेम की वेलोसिटी वी है, और जो हमारा पार्टिकल था उसकी वेलोसिटी कैपिटल वी है, क्लियर। तो ये वेलोसिटी में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। सेकंड हम करें, पोजीशन हो गया, सेकंड वेलोसिटी हो गया, थर्ड एक्सीलरेशन में ट्रांसफॉर्मेशन देखें। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सीलरेशन त्वरण में, ठीक है। त्वरण क्या होता है, ये वेलोसिटी में चेंज रेस्पेक्ट टू टाइम, ये हमारा एक्सीलरेशन होता है। तो इसका इक्वेशन टू है, इसका टी की रेस्पेक्ट में अगर हम इसका डेरिवेशन करें, अवकलन करें, तो क्या आएगा हमारे पास, डी वी प्राइम अपॉन डी टी डी वी अपॉन डी टी माइनस डी वी अपॉन डी टी। ये वी कॉन्स्टेंट है, और कॉन्स्टेंट का डेरिवेशन हमेशा डेरिवेटिव जीरो होता है, ठीक है। इसका जीरो होगा इसका अवकलन, तो हमारे पास डी वी प्राइम अपॉन डी टी क्या है, ए प्राइम वेक्टर अपॉन ए वेक्टर। तो एक्सीलरेशन में जो चेंज आया त्वरण में, वो एस और एस प्राइम फ्रेम में समान रहता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत, ठीक है। इससे शो हो रहा है इक्वेशन थ्री से, इसका एक्सीलरेशन समान रहता है दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, इसलिए इसे गैलीलियन इनवेरियंस ऑफ एक्सीलरेशन का रूल भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो न्यूटन का थर्ड प्रथम नियम था, जड़त्व का नियम, उसको भी फॉलो करता है, ठीक है। क्योंकि एक्सीलरेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा, इस वजह से
ये गति का जो फर्स्ट नियम है उसको फॉलो करता है, उसे हमें जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं गैलीलियन इनवेरियंस ऑफ एक्सिलरेशन, क्योंकि एक्सिलरेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा। नेक्स्ट अगर हम देखें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर्स, फोर्स में रूपांतरण देखते हैं, और इसको ध्यान रखना क्या बोल सकते हैं, जो पी हमारा पार्टिकल था वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा था, जो वेलोसिटी पी पार्टिकल की वी हमने ली थी जो कि कांस्टेंट ली थी, ठीक है, इस वेलोसिटी को हमने कांस्टेंट लिया था, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा था ये पार्टिकल, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा था मतलब पी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा था, जो पी पार्टिकल था हमारा, दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस थे और ये पी पार्टिकल था, इस पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा था, और इस वजह से जो पार्टिकल था उसके त्वरण का मान शून्य था, एक्सेलरेशन का मान यहां हमें शून्य मिला था, जीरो मिला था, ठीक है। इसी वजह से इसको न्यूटन के प्रथम नियम था, जिसे हम जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, वो इसमें सही रहता है, ठीक है, इसमें पूरा प्रूफ होता है, क्लियर। नेक्स्ट क्या देख रहे थे हम, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर्स। अब हमें पता है ए प्राइम ए के बराबर है, नेक्स्ट हमारा फोर्थ है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर्स, ठीक है। अब इक्वेशन जो थ्री है उसको दोनों तरफ एम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एम ए प्राइम इक्वल टू एम ए वेक्टर, ठीक है, ये क्या होता है फोर्स, तो एफ प्राइम इक्वल टू एफ, मतलब फोर्स भी दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इक्वल रहता है, ठीक है, कि द्रव्यमान भी हमारा यहाँ इनवेरियंट, जो द्रव्यमान तो है ही इनवेरियंट, फोर्स भी यहाँ इनवेरियंट रहता है, ओके। ये न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो सभी जो जड़त्व निर्देश तंत्र में फॉलो करता है, क्या है, फोर्स है डीपी अपॉन डीटी के प्रोपोर्शनल होता है, ये न्यूटन का सेकंड नियम है, उसी से हमें एफ बराबर एम ए निकल कर आता है, ओके क्लियर। ये यही गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत यही आते हैं, बाकी हम इसी के अंतर्गत टॉपिक है संवेग संरक्षण का नियम और ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, वो करेंगे कल। तो यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बता देना, बाकी हमारा एक इनवेरियंस ऑफ न्यूटन्स लॉ बच रहा है, न्यूटन के नियमों में निश्चितता, ठीक है, तो इस वजह से ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, जो फर्स्ट लॉ था इसमें फॉलो कर रहा था, सेकंड लॉ इसमें फॉलो कर रहा था, उसको हम यहां करेंगे, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उसमें अच्छे से पढ़ेंगे, क्लियर, ओके करते हैं कल।